दोस्तों स्वागत है आपका जीएस न्यूज की अफसर बन जाओगे की सीरीज में। तो शुरू करते हैं हमारा सामान्य ज्ञान का डेली डोज डे 5 इजी लेवल। रूल्स कुछ इस प्रकार हैं। हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको 8 सेकंड्स का वक्त दिया जाएगा और हर प्रश्न 5 मार्क्स का होगा। अगर आप इस इजी लेवल के 10 में से 5 सवालों के भी सही जवाब दे पाते हैं तो आप हमारी अगली वीडियो जहां पर डिफ़िकल्टी लेवल हार्ड होगा पर बढ़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपके कुछ जवाब गलत हो जाए तो निराश ना हो, आप ये वीडियो दोबारा देख सकते हैं। पहला सवाल, किसी भी देश में जीवन स्तर का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाता है? द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन अ कंट्री इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट? आपके ऑप्शंस हैं ए बेरोजगारी दर यानी अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बी प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम, सी गरीबी अनुपात यानी पावर्टी रेशियो, या डी राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम। और आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है बी प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम। दूसरा प्रश्न, चैम्बर्ड दिल किस में होता है? चैम्बर्ड हर्ट अकर्स इन होम। आपके ऑप्शंस हैं ए केंचुआ अर्थवॉर्म, बी तिलचट्टा यानी कॉकरोच, सी घोंगा यानी स्नेल, या डी जोंक यानी लीच। और आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है बी तिलचट्टा कॉकरोच। तीसरा प्रश्न, सार्क के पहले अध्यक्ष कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द सार्क? आपके ऑप्शंस हैं ए इंदिरा गांधी, बी राजा बीरेंद्र, सी जिया और रहमान, या डी लेफ्टिनेंट जनरल एच एम इरशाद। आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है डी लेफ्टिनेंट जनरल एच एम रिशाद। चौथा प्रश्न, वीरेंद्र सहवाग ने किस टीम के खिलाफ एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपने करियर की शुरुआत की थी? अगेंस्ट विच टीम डिड वीरेंद्र सहवाग मेड हिज वन डे इंटरनेशनल डेब्यू? आपके ऑप्शंस हैं ए श्रीलंका, बी न्यूजीलैंड, सी दक्षिण अफ्रीका, या डी पाकिस्तान। और आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है डी पाकिस्तान। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार श्रीमती किरण बेदी को दिया गया था? विच वन ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स वॉज गिवन टू मिसेस किरण बेदी? आपके ऑप्शंस हैं ए गोल्डन ग्लोब, बी सरस्वती, सी मग सेसे, या डी रानी लक्ष्मी। और आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है सी मग से ऐसे। छठा प्रश्न, दिए गए पोषक तत्वों में से दूध किस चीज का खराब स्रोत है? अमंग द गिवन न्यूट्रिएंट्स मिल्क इज अ पुअर सोर्स ऑफ व्हाट? आपके ऑप्शंस हैं ए प्रोटीन, बी कैल्शियम, सी विटामिन सी, या डी कार्बोहाइड्रेट्स। और आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है सी विटामिन सी। सातवा प्रश्न, किस नदी को द सौरो ऑफ द बंगाल कहा जाता है? विच रिवर इज कॉल्ड द सौरो ऑफ द बंगाल? आपके ऑप्शंस हैं ए दामोदर, बी कोसी, सी हुगली, या डी सोन। और आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ए दामोदर। आठवां प्रश्न, दिसंबर में किस स्थान पर अधिकतम सूर्य का प्रकाश रहता है? एट विच प्लेस विल यू फाइंड मैक्सिमम सनलाइट इन दिसंबर? आपके ऑप्शंस हैं ए कोलकाता, बी कन्याकुमारी, सी तमिलनाडु, या डी मुंबई। और आपका समय शुरू होता है अब।
सही जवाब है बी, कन्याकुमारी। नौवां प्रश्न, प्रसिद्ध उपन्यास द गॉडफादर के लेखक कौन थे? द सेलिब्रेटेड नावल द गॉडफादर वॉज ऑथर्ड बाय होम। और आपके ऑप्शंस हैं ए विक्टर ह्यूगो, बी जॉन मिल्टन, सी मारियो पुजो या डी हेरल्ड रॉबिन्स। और आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, मारियो पुजो। दसवां प्रश्न, पहला कंप्यूटर किस भाषा का उपयोग करके प्रोग्राम किया गया था? द फर्स्ट कंप्यूटर वॉज प्रोग्राम्ड यूजिंग विच लैंग्वेज। और आपके ऑप्शंस हैं ए मशीन लैंग्वेज, बी स्पेगेटी कोड, सी असेंबली लैंग्वेज या डी सोर्स कोड। और आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ए मशीन लैंग्वेज। दोस्तों ये था डे 5 का इजी लेवल। मिलते हैं आपसे डे 5 की अगली वीडियो में, जहां पे डिफिकल्टी लेवल हार्ड होगा। उम्मीद करता हूं आपने सारे जवाब सही दिए हों। कमेंट सेक्शन में अपने जवाब ज़रूर दें और बताना ना भूलें कि आपने कितने मार्क्स स्कोर करें। मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारे इस चैनल GS News को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो समय पर मिलती रहें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में छोटे से ब्रेक के बाद।